गरिमा, ओ सॉरी सॉरी गरिमा तो बैठी हो ठीक है कौन कोई ना कोई ना अरे कोई ना टीम डैफोडिल्स एंड मेरे साथ प्रभजोत हैं जिनका पासपोर्ट आ चुका है स्टैंप होके। तो चलिए जानते हैं प्रभजोत की जर्नी कैसी रही डैफोडिल्स के साथ। प्रभजोत पहले तो बहुत मुबारक। थैंक यू। की में लग रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत बढ़िया लग रहे हैं प्रभजोत। डैफोडिल्स बारे कितना पता लग गया? मतलब की मेरी फ्रेंड सी, उन्हें इतने लगवाया सीगा वीजा, तो उन्हें कंसर्न किया सी भी तो सी उठे लगवायो ते मनप्रीत कौर है। मनप्रीत ओ किते केड़े कॉलेज गई सी? ओना हैगा कैंबली कैंबली कॉलेज। मनप्रीत ने की क्या सी? मतलब वो कह रही सी बहुत वधिया स्टाफ मेंबर्स ने, कोऑपरेटिव ने, वधिया गाइड करदे ने कि जो जो आपां नूं चीज चाहीदी है हर एक चीज अपने गो थ्रू होके निकलदी है, हर एक चीज दी आपां नूं भी नॉलेज मिलदी है भी आ चीज आ गई उत्थे। ठीक है, ते जदों तुसीं ते तुहाडे हस्बैंड आए, ठीक है, ते तुसीं इहनां कोलों काउंसलिंग लीती, तुहानूं किवें लग्गिया? मतलब मैम, मतलब पहली बार च इदां लगी है भी हाँ बहुत वधिया गाइड करनगे और हरेक चीज़ वधिया एक्सप्लेन कीती इहनां ने भी आ इदां नैक्सट स्टैप इदां हो, नैक्सट स्टैप इदां हो, हरेक चीज़ वधिया सी। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਲਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਬੀਏ ਮੈਮ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬੀਏ? ਅਰੇ ਵਾਹ। ਐਂਡ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਦਾ ਸਕੋਰ? 6.5, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਬ ਕੌਨ ਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ? ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਮਹਾਂ ਕਾਲਜ। ਠੀਕ ਹੈ। एंड क्या कोर्स चूज किए? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड, और इसका क्या स्कोप है आगे? मतलब कि टीचिंग प्रोफेशन दे विच आपा जा सकदे हैं। ओके, बीएड से रिलेटेड है आपका? ठीक है ठीक है। तो और क्या हो सकता है? मतलब अपन बच्चे वगैरह नु अपन ट्यूशंस दे सकदे हैंगे, स्पेशल कोई काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकदे हैं। ठीक है, मतलब डॉलर कमा लोगे तो जाके आराम से। ठीक है ठीक है। तो जिस दिन तुहानू पता लग्गिया मेल आई, मेल क्योंकि तुहाडे कोल ही आई होनी है कि वर्डिक्ट आया है, ते तुसी की कर रहे सी उदो? मैं मतलब फिलहाल तो मैं कम ही ठीक है, ते मेरे मतलब कॉल चक्कण मेल देखण तो पहला मतलब कि मेरे हस्बैंड नु मैं कहया फोन चेक करियो कि मतलब मेल आई, मैं नहीं देखनी थी। ओके ठीक है। ते फिर उन्होंने देखी सी, उन्होंने मेल तुहाडे हस्बैंड नाल आए ने? हां जी आए। ठीक है, तो उन्होंने पूछिए सर सर आप इधर आइए, सर आप उधर क्यों बैठे हैं? सो इनके हस्बैंड वीडियो में आ चुके हैं। सर आपका नाम? गुरसेवक सिंह। हाँ जी, गुरसेवक सिंह। गुरसेवक सिंह जी, जल्दी आप इनकी वीडियो देखोगे स्पाउस वीजा की। ठीक है सर, तो आपने मेल देखी कि वर्डिक्ट आ गया है, तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आई? मैम एक्चुअली मैं लग रहा था कि आ गया वीजा। अच्छा, कि मतलब असी ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਓ ਪੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 100% ਸ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਕੋ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਐਸ ਓ ਪੀ ਲਿਖੀ, ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਐਸ ਓ ਪੀ ਵੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਬ ਆਪਨੇ ਸਰ ਕੀ ਐਸ ਓ ਪੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਗੀ ਬਕਾਇਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸੀਗੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਪਾ ਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਕਿਓਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਆਈ ਹੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ। ਆ ਸੋ ਸੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦੀ। ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਸੀ?
फोन आया होगा के वीजा आ गया फोन किन्ने सुनिया सीगा मतलब ये सामने बैठे से मेरे वाइफ मैं इन्हें तो मतलब इतना इशारा करता सी भी आ जा रहे का अच्छा क्यों ते मतलब अंदरों मैं खुश सीगा बहुत ज्यादा आ गया कि उस तो बाद फिर उन्होंने दसया दी तुसी इशारा किदा किता सी के एदा के एदा ही किता सी मतलब मेरा रोने वाला फेस हो गया सी भी नहीं आया एदा कहता ठीक है फिर फोन रखन तो बाद दसया कि और मैं फिर 2 मिनट बाद मैम नु कॉल कीती मैम सच्ची आ गया कहंदे हां जी अरे ये मत करते ठीक है उस तो बाद मतलब असी किसी नु नहीं दस्या सी अभी पेरेंट्स नु नहीं दस्या सी ते मैं ता मतलब एक्चुअली जितना जितना तक वैलिड प्रूफ नहीं आ जांदा अस तक उतना जब तक नहीं यकीन करते ठीक है और जब पासपोर्ट स्टैंप होके आया फिर दस्या ठीक है तो स्टैंप होके आप लोगों ने रिसीव किया के इन लोगों ने रिसीव किया नहीं मतलब कितनी ट्रांसपेरेंसी थी कि ये भी आपके पास आया ठीक है एंड सर मैम आप हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइड करना चाहोगे कि जैसे आपको मनप्रीत ने रेकमेंड किया पर मनप्रीत के रेकमेंड करने से पहले पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार पैसा ना डूब जाए या गलत गाइडेंस ना हो जाए या बहुत चीजें होती है तो वैसे ही लोगों को कुछ गाइड करना चाहोगे आप हाँ जी मैम भी मतलब सारे इदा ही कहूंगी भी सारे जने इत्थे आओ वीजा लवाओ वीजा पैसे देती है हम फाइल लगाते हैं मतलब पूरा ग्रांटेड है ये गारंटी दे रहे हैं एसओपी बेटर है बहुत ज्यादा सर मतलब ओदे लिए शाम सर का हां जी ओदे लिए बहुत बहुत उनका थैंक्स है सर को एक एसओपी पे लग जाता है 15 दिन तो लग जाते हैं कि बनाने में और इतनी जो सर रिसर्च करते हैं और उसके बाद जो बच्चे के लिए वंडर्स करते हैं वो मैंने बहुत 10 से 11 साल हो गए मुझे देखते हुए एंड अब इनका पासपोर्ट हम इनको देने जा रहे हैं 2 इन्होंने आके हमें पकड़ाया था तो इनको हम वापस करने जा रहे हैं सर मैम ये आपका पासपोर्ट